रिलायंस जियो के 4G फोन को और एयरटेल के 4G फोन को टक्कर देने के लिए आ गया है माइक्रोमैक्स का भारत वन, जो देश का 4G फीचर फोन है। तो ये तीसरा फोन है इस सीरीज में, बड़ी एक डेवलपमेंट देखने मिली है आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से, जो कि भारत वन नामक है। आपको बता दूं, जियो फोन जो 0 रुपीज में आता है उसको टक्कर देने के लिए एयरटेल ने फोन लॉन्च किया था 1399 रुपये, जो इफेक्टिव कीमत उसकी बताई गई है, और उसको ही टक्कर देने के लिए, इन दोनों टक्कर देने के लिए भारत वन आ रहा है, जो कि माइक्रोमैक्स की तरफ से 2200 रुपये में। तो चलिए जानते हैं इस फोन की सारी खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। इस फोन को बता दूं, इस फोन में सबसे अच्छी बात यह है कि ये फोन जो है 2200 रुपये का मिलेगा, लेकिन इसकी जो मंथली जो खर्च है वो है 97 रुपये, जो कि BSNL के साथ कंबाइन करके माइक्रोमैक्स ने हाथ जोड़ के बनाया है, जिस तरह से कार्बन के साथ हाथ जोड़ के एयरटेल ने बनाया है। और जियो को तो आप जानते हैं, जियो ने बाहर से फ़ोन मंगा के जो इसके साथ में खुद का है वो बनाया। तो जियो इस्तेमाल करेंगे तो 153 रुपये प्रति महीने खर्च होगा। आप एयरटेल का 4G फीचर वाला जो फ़ोन है इसको इस्तेमाल करेंगे तो 169 रुपीज़ खर्च होगा, और आप अगर माइक्रोमैक्स अब भारत में इस्तेमाल करते हैं तो आपका केवल 97 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड डेटा एंड कॉलिंग्स के फ़ोन मिल जाएंगे। तो मैं इस समय आपको फ़ोन के बारे में बता दूँ, इस समय तो फ़ोन 97 रुपये कंपनी कह रही है, तो एक फीचर सा ही फ़ोन है जैसे आप रिलायंस जियो के साथ देख सकते हैं वो है। और इसमें सबसे अच्छी खबर है कि आपको 20 अक्टूबर आने वाले 20 अक्टूबर से आपको भारतीय बाज़ारों में मिलना चालू हो जाएंगे। तो 20 अक्टूबर हम देख लेते हैं कब आ रहा है, 20 अक्टूबर है फ्राइडे, तो इस शुक्रवार से आपको फ़ोन जो है मिलना चालू हो जाएगा रिटेल स्टोर पे ऑनलाइन, या इसकी कोई इसी तरह से आपको प्री रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ़ोन के बारे में देखते हैं, ये BSNL के साथ मिलके है, 97 रुपीज़ का आपको रिचार्ज हर महीने करना पड़ेगा। अभी प्लान्स में क्या क्या है BSNL ने कुछ क्लियर किया नहीं है, BSNL के वेबसाइट पे भी गए थे तो BSNL ने अभी तक कुछ ऐसे पोल खोली नहीं है कि क्या देने वाले हैं क्या नहीं है। तो हम फ़ोन के बारे में जान लेते हैं, 97 में ये मान के चलिए कि 1/2 GB डेटा आपको रोज़ मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग्स है। तो ये भी 4G वोल्ट है, डुअल सिम पे चलता है, और इसके ऊपर 4G वोल्ट के बढ़िया से आप प्लान लगा सकते हैं, BSNL के साथ में दूसरा भी लगा सकते हैं, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे कि जियो फ़ोन के ऊपर है। तो दो सिम का मतलब है आप एक आराम से BSNL का चाहे लगा सकते हैं या फिर दूसरा कोई कंपनी का भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो 97 रुपये में आपको सस्ता प्लान है जहाँ पे कनेक्टिविटी BSNL की अच्छी है वो है। इसके अंदर कैमरा दिया गया है पीछे का 2 मेगापिक्सल का, आगे का आपको VGA कैमरा है, जो कि आप नॉर्मल सी आप फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग या इमेजेस लेने के लिए आप कर सकते हैं। तो एक अच्छी सी फीचर है फ़ोन में, ये है टच भी है, स्मार्ट फ़ोन कहा गया है इसको, एक्चुअली फीचर ही फ़ोन है। क्यों स्मार्ट कहा गया, क्योंकि इसमें वाईफाई और GPS भी है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मल फीचर फ़ोन जिस तरह से होते काफ़ी मजबूत है, कीपैड्स वगैरह काफ़ी इसके स्लिम सटीक है और एकदम रबर फिनिशिंग है ताकि डस्ट वगैरह ना आ पाए। तो बढ़िया सी स्क्रीन है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर है। प्रोसेसर कौन सा मतलब कैटेगरी का है वो नहीं पता, लेकिन कंपनी क्लियर हो गई, स्नैपड्रैगन काफ़ी माना जा रहा है, नंबर 1 प्रोसेसर है भारतीय बाज़ारों में और पूरे वर्ल्ड में भी। तो इसमें 512 MB की रैम है, 4 GB की इनबिल्ट मेमोरी है इसमें आपको स्टोर करने के लिए, और अभी को एक्सपांड कर सकते हैं मेमोरी, अभी कितना एक्सपांड कर सकते हैं उतना बताया नहीं है, तो मिनिमम 32 GB हम समझ के चल सकते हैं। तो फ़ोन में ये सारी फीचर्स, आपको 22 लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लाइव टीवी 100 से ज़्यादा चैनल सपोर्ट करेगा, और 3G और 4G वोल्ट टेक्नोलॉजी पे भी सपोर्ट करता है, डुअल सिम है ये, 22 रीजनल लैंग्वेज है। तो इस तरह से फ़ोन है, तो फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद आया, 2200 रुपये में आपको मिलना है। इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है कि आप रिटर्न करिए ये करिए वो करिए, लेकिन इसको लगातार आप इस्तेमाल करेंगे तो जियो से भी और जो कार्बन है उससे भी सस्ता होने वाला है। फ़र्क यह है कार्बन का जो फ़ोन है वो स्मार्टफोन है जिसमें एंड्रॉयड चलने वाला है नोगट, वैरस ये रिलायंस जियो का जो फ़ोन है रिलायंस का ये एक फीचर फ़ोन है आप देख सकते हैं, और माइक्रोमैक्स का भी ये फीचर फ़ोन है। आशा करते हैं दोस्तों ये फ़ोन आप लेना चाहेंगे, और 10 और 20 तारीख से ये भारतीय बाज़ारों में अवेलेबल है, तो जाके आप नज़दीकी रिटेल स्टोर्स पर ले सकते हैं। जैसे मुझे लिंक मिली ऑनलाइन पर, मैं ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। आप को ये फ़ोन लेना है कि नहीं लेना है आप बता सकते हैं, लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना तो क्यों नहीं, डिस्क्रिप्शन में, ताकि हमारे और व्यूवर्स भी उसके मत ले सके। भेजिए टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।